everyone. Hello, Sonal ma'am. Good afternoon, friends. Hello, Anjanadi. Hi, Swara. फ्रेंड्स मुझे बताइए आप लोग ज्वाइन हुए हैं. गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सब लोग. हेलो ध्रुति, बस ठीक हूँ. कैसे हैं आप अंजना दी. पोस्ट लॉकडाउन क्या चल रहा है. हेलो महक, प्लीज ख्याति, ख्याति बोलिए चलेगा, दैट इज ओके. हेलो रानी, गुड आफ्टरनून महक जी. बस मैं भी ठीक हूँ. गुड आफ्टरनून एवरीवन. पहले कुछ मेरे बारे में बता दूँ. मैं ख्याति धवल चौहान, मैं गुजरात से हूँ. पली बड़ी भी गुजरात में हूँ और रहती भी गुजरात में ही हूँ. हेलो अवनिधि, हाय चल्पा भाभी. बस मैं ठीक हूँ. हेलो हेलो दीपा दीदी, कैसे हो. हेलो रक्षिता, हाय प्रियंका, गुड आफ्टरनून. चलिए तो थोड़ा मेरे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ. आप में से कुछ लोग तो मुझे जानते होंगे. मैं ख्याति धवल चौहान गुजरात से हूँ, रहती भी गुजरात में ही हूँ. मेरी एजुकेशन मैंने बड़ौदा और आनंद से की है. एक कॉलेज में, साइंस कॉलेज में एज अ प्रोफेसर पहले मैं जॉब करती थी और एक अभी प्राउड मम्मा हूँ एक छोटे से एक साल के बेटे भव्यम की. हेलो रुचि, हेलो सरिता जी, हाय ध्रुति. हेलो माल्या, मैं आज कुछ बना नहीं रही हूँ. आज एक्चुअली जो हमारा ये वर्कशॉप है वो फूड फोटोग्राफी और फूड
रिलेटेड है। एक्चुअली दीपाली, मैंने ये फोकस पूरे हमारी फ्रेम के ऊपर किया है, मैं अगर ना भी दिखी तो चलेगा, आप लोगों को ये पूरा सेटअप अच्छे से दिख जाना चाहिए। मेरी आवाज तो क्लियर है ना सब लोगों को? हेलो रितु, ओके तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अनाउंसमेंट के हिसाब से आपको पता होगा, हमारा जो ये सेशन है वो फूड फोटोग्राफी और फूड स्टाइलिंग के आधार पे है। ये सेशन में हम कुछ भी खाना बनाना नहीं सीखेंगे, खाना बनाना तो कुकपैड पे जो भी कोई है उनको अच्छे से आता ही है, तो वो मुझे सिखाने की ज़रूरत है कि खाना जो आपने बनाया है, वैसे आप लोग अच्छे से प्रेजेंट भी कर ही लेते हो ठीक ठाक, देखा है मैंने बहुत लोगों का। तो आज हम क्या करेंगे कि खाने को स्टाइल कैसे करते हैं, स्टाइल मतलब प्रेजेंटेशन नहीं सीखनी है हमें, हम ये देखेंगे कि आप जो पिक्चर पोस्ट करते हो उसकी जो फ्रेम आप चूज करते हो इसके अंदर आप खाने को कैसे अरेंज करते हो ठीक है, क्या प्रॉप्स यूज करते हो, बैकग्राउंड क्या यूज करते हो, सरफेस क्या यूज करते हो, तो वो सब चीज़ें आज हम सीखेंगे। हेलो गुप्ता, सीता, नीलम, साफिया, आप सब लोगों ने किसी भी चीज़ के लिए फोटोग्राफी या फिर रेसिपी और इन सब चीज़ों के लिए नेट पर सर्चिंग की होगी ठीक है ना, कि भाई ये डिश मैं बना रही हूँ तो इसकी फ़ोटोग्राफी मैं किस तरह से करूँ, सेटअप किस तरह से अरेंज करूँ। तो जब मैं तो ऐसा करती थी, बहुत बार किया है मैंने, अभी भी करती हूँ, तो हम जब देखते हैं ना उन लोगों की फ़ोटोग्राफी तो हमें लगता है कि भाई इतना अच्छा फ़ोटो है तो पक्का इसने DSLR से ही लिया होगा, क्योंकि मोबाइल से तो इतनी अच्छी फ़ोटो लेना इम्पॉसिबल है, कुछ तो ऐसे करके ही छोड़ देते कि हाँ भाई ये तो मोबाइल के बस की बात ही नहीं है। तो इसके लिए आज का जो हमारा वर्कशॉप है वो ये मिथ को रॉन्ग प्रूव करने के लिए है कि आप अपने मोबाइल से भी उतनी ही बेहतरीन फ़ोटो खींच सकते हैं जितनी आप गूगल पे या पिंटरेस्ट पे देखते हैं। और वो कैसे करनी है तो उसी को बोलते हैं फूड स्टाइलिंग और मोबाइल से की गई फूड फोटोग्राफी। पक्का महक, मैं आपकी रेसिपी पक्का देखूंगी। ओके तो मोबाइल से जब आप फूड फोटोग्राफी करते हो ना तो कुछ चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। पहले क्या होता था कि अच्छी खासी फ़ोटो मैं खींच लेती थी, पर ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ ना तो मैं कुछ फूड ब्लॉगर्स के कांटेक्ट में आई जो बहुत बेहतरीन फ़ोटोज़ खींच के पोस्ट करते थे, तो मुझे लगा कि अब कर ही रहे हैं कुकपैड के लिए, खाना बना ही रहे हैं, अच्छी खासी फ़ोटो भी ले रहे हैं, तो क्यों ना कुछ डेवलप किया जाए, फूड स्टाइलिंग सीखा जाए, वो लोग क्या सोच के मतलब फ़ोटोग्राफी करते हैं वो जाना जाए। तो इस लॉकडाउन के दौरान मैंने क्या किया, कुछ वर्कशॉप्स अटेंड की है। यस, इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ वर्कशॉप्स अटेंड की है। वो लोग क्या सिखाते हैं, मोबाइल से कैसे फूड फोटोग्राफी करनी है आपको, क्या ध्यान में रखना है, प्रॉप्स क्या यूज़ करने हैं, बैकग्राउंड बैकड्रॉप क्या यूज़ करना है, किस अकॉर्डिंग यूज़ करना है, कॉन्ट्रास्ट कितना रखना है, कितना नहीं रखना है। तो जो भी कुछ मैं ये 2-3 महीने में सीख पाई हूँ, मैं ट्राई करूंगी कि आज आप सब लोगों तक मैं वो पहुंचा सकूं। मैं देख पा रही हूं कि अच्छे खासे व्यूअर्स हमारे आ गए हैं, तो सोनल मैम क्या मैं अभी स्टार्ट करूं हमारा जो मेन टॉपिक है। हेलो अलका, एक्चुअली आज यहां पे बारिश की वजह से फोन बहुत ज्यादा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। I think we should start now.
ओके तो मोबाइल से जब आप फोटोग्राफी करते हो ना, मोबाइल से करो या किसी भी और चीज़ से करो, हम सब बिगिनर्स हैं राइट। तो ऑफ कोर्स अच्छे खासे फोटोग्राफर्स हैं हमारे ग्रुप में, पर जैसे कि हम सब वैसे तो है ही बिगिनर्स, तो हमें क्या करना चाहिए कि ऑलवेज हमें नेचुरल लाइट ही यूज़ करनी चाहिए। मैं जहाँ पे बैठी हूँ ना, यहाँ पे साइड से लाइट आ रही है, जैसे कि ये कैमरा है उसके तुरंत पीछे एक दरवाज़ा है गैलरी का, तो वहाँ से नेचुरल लाइट आ रही है और मेरा जो ये पूरा सेटअप है वो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। ओके तो मोबाइल के अंदर जो जो भी आपको सेटिंग्स करने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो क्या कीजिए कि आपका जो मोबाइल है ना, उसके कैमरे का लेंस ये सबसे पहले क्लीन होना चाहिए। कहीं पे भी आप रखते हो, यूज़ करते हो, खाना बनाते वक्त आप प्रोसेस की पिक्चर्स लेते हो, तो वो थोड़ा गंदा हो जाता है। तो आप पहले तो उस स्टेप में उसे क्लीन कीजिए। किससे करना है? माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। सबके पास, सबके घर में किसी ना किसी को तो चश्मा होगा ही, तो उसका जो आता है ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ, उससे आप अच्छे से उसको क्लीन कर दीजिए पहले। ये सबसे पहला स्टेप है जो कोई भी वर्कशॉप आपको सबसे पहले सिखाएगा कि क्लीन द लेंस ऑफ योर कैमरा। ओके ये हो गया। अब दूसरी बात है कि कभी भी अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट यूज़ मत करो। आपके पास इतनी अच्छी सी नेचुरल लाइट है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी फ्लैश की ज़रूरत पड़ती होगी। अगर आप रात को भी फोटोग्राफी कर रहे हो ना, तो प्रेफर करो कि आप रात को भी अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट यूज़ नहीं कर रहे हो। या तो फिर LED लाइट यूज़ कर लो या फिर कोई दूसरा सोर्स यूज़ कर लो। खुद के फ़ोन की फ्लैश लाइट कभी भी ऑन नहीं रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा कैमरा हो ना उसके अंदर ग्रिड लाइंस आती हैं, तो आप अगर बिगिनर है ना तो वो ग्रिड लाइंस को ऑन रखा कीजिए। इससे क्या होगा कि आपने जो पूरा सेटअप रेडी करके रखा है ना, उसके कंपोजिशंस, फ्रेमिंग क्या करनी है, कौन सी नेगेटिव स्पेस है, ब्लैंक जगह कौन सी है, किस जगह को आपको प्रॉप से फील करना है, वो सब आप जान पाओगे ग्रिड लाइन से। हालांकि मुझे उसमें इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता तो मैं ऑन नहीं रखती। अगर आपको सूट करता हो तो आप उसका हेल्प ले सकते हो। तो ये हो गई मोबाइल की तीन सेटिंग्स जिसे आपको माइंड में रखना है आप जब भी अपने फोटोज़ क्लिक करो तब। नेक्स्ट बात आती है, हम क्या ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्या क्रॉकरीज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना वो हमारे फ़ोटो को नहीं बल्कि हमारे के फूड को उभारने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं क्या बोलूँगी कि आप जो भी मतलब डिशेस हो या बॉल्स हो यूज़ कर रहे हो वो क्या हो, प्लेन हो और न्यूट्रल कलर के हो। जैसे कि ये मेरे पास पोर्सलिन प्लेट्स है, बीच कलर की है, वाइट भी बोल सकते हो आप। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप इन सब चीज़ों की शॉपिंग करो ना, तो ख्याल रखो कि ये जो क्रॉकरीज है वो ग्लॉसी ना हो, मैट फिनिश वाली हो। ग्लॉसी होगी ना तो क्या होगा कि आप जब फोटोज क्लिक करोगे ना तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और जो भी रिफ्लेक्शन आएगा ना वो आपके फूड को मतलब आपकी फोटोग्राफी को अच्छा नहीं दिखाएगा। मेन जो फोकस होना चाहिए वो हमारा फूड के ऊपर होना चाहिए और वो जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ना तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगा आपके फूड के ऊपर फोकस करने से, राइट। तो मेक श्योर यू आर यूजिंग मैट फिनिश्ड क्रॉकरीज। ये और एक मेरे पास है डेप्थ वाली प्लेट, राइस हो, छोले हो, राइस राजमा, राइस करी और ये सब चीज़ों के लिए ये डेप्थ वाली जो प्लेट होती है ना ये काफ़ी यूजफुल रहती है। ये मेरा फेवरेट है, ये एक बॉल विथ लीड है, इसके अंदर आप पुलाव हो, बिरयानी हो या फिर कोई सब्जी हो उसको प्लेट कर सकते हैं। कैसे? सिंपल ऐसे भी रख सकते हो, फिल करके लीड को ऐसे साइड पे, तो वो भी एक बहुत अच्छा लुक देता है। हाय अर्पिता, नाइस टू सी यू। um,
ब्लॉगर्स को फॉलो कर रही हूँ, तो उनकी फोटोग्राफी देख देख के मुझे कुछ ऐसे प्रॉप्स खरीदने के बहुत शौक हुआ था। तो ये मेरे पास है सम वुडन बॉल्स, कुछ स्नैक्स हो या फिर सैलड हो, कोई स्वीट हो, तो उसको आप इसके अंदर बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। और ये जो बैकड्रॉप होता है ना, उसके ऊपर बहुत अच्छा फ्रेम देता है ये चीज़ें। आपको दिख रहा है, जैसे कि ये बैकड्रॉप मैं यूज़ करूँगी और उसके ऊपर ये वाले बॉल्स होंगे ना, तो जब आप क्लिक करोगे आपकी फ्रेम बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगी, आपको ज़्यादा एडिटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेक श्योर आप ऐसे कुछ क्रॉकरीज या बर्तनों में इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट मेरे पास कुछ छोटे छोटे बॉल्स हैं, सैलड और थोड़ी थोड़ी कुछ भी चीज़ें आपको एज अ साइड डिश प्रेजेंट करनी हो तो उनके लिए एक छोटा सा ये मैं बॉल ज़रूर रखती हूँ मेरे साथ में, सॉस या चटनी हो ऐसा कुछ हो तो उसको प्रेजेंट करने के लिए। जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ ना, तो उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ कि जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हो उनके साथ वो अच्छे से जाता हो। चपाती, पराठा, पापड़, साइड डिश जो भी आप रखते हो वो अच्छे से सूट हो जाती है। ये उसी प्रकार का एक बॉल है, इसके अंदर मेंदू वड़ा हो गए या इडली हो गई तो वो बहुत अच्छी जाती है इसके अंदर। आपको सिर्फ क्या करना होगा कि ये जो टोकरी है ना, इसके अंदर बनाना लीफ को कट करके अच्छे से प्लेस कर दो और उसके ऊपर मेंदू वड़ा या फिर इडली, दाल वड़ा इसको रख दो, बहुत अच्छा लुक देगा। अभी फिलहाल है ना वुडन चीज़ों का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो मेरे पास ये थोड़े वुडन के स्पैचुलास हैं, स्टाइलिंग में भी काम आते हैं। जैसे कंपोजिशन आपने सेट कर लिया तो जो भी कोई नेगेटिव स्पेस है आपके, नेगेटिव स्पेस मतलब प्लेट्स रख दी, सैलड रख दिया, जो भी कोई ब्लैंक जगह पे बचती है ना तो उसको नेगेटिव स्पेस बोलते हैं। उसके अंदर ये वुडन स्पैचुलास रख लो, ये कुछ हैंड पेंटेड स्पैचुलास है मेरे पास, ये भी मैं साइड में रखना पसंद करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी जो फ्रेम है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। तो मेक श्योर यू हैव सम वुडन स्पैचुलास विद यू। कुछ लोगों को ऐसे कन्फ्यूजन रहता है कि एज अ प्रॉप क्या यूज़ किया जाए, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपने जो डिश बनाई है उसके दौरान जो जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हो, जो जो भी ग्लासवेयर्स हो या फिर कुछ चीज़ें हो जो भी बनाने में यूज़ की हो, उसी से आप प्रॉपिंग करिए। तो उससे क्या होगा कि वो आपके डिश को ज़्यादा उभारेगा और पता चलेगा कि हाँ ये इसी के अकॉर्डिंग है, मतलब आपने फॉल्स एफर्ट्स नहीं डाले हैं उसके अंदर कंपोजिशन बनाने के लिए। नेचुरल दिखना चाहिए आप जो भी कुछ दिखा रहे हो वो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, छोले भटूरे हो गए, पाव भाजी हो गई, कुछ और चीज़ें हो गई, तो उसको कंप्लीट दिखाने के लिए कुछ स्पून्स और फॉक्स होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, पूरी डिश को कंप्लीट दिखाते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉप्स की बातें हो गई। दूसरे प्रॉप्स के अंदर मैंने जो आपको मैं बिहाइंड द सीन्स फोटोग्राफी दिखाने वाली हूँ वो सब सर्व किया है, तो वो मैं उसी के दौरान आपको बता दूंगी। हाँ, ये मेरी फेवरेट है। आप जो भी कुछ दाल बनाओ, कढ़ी बनाओ, दाल मखनी बना ली, तो बाल्टी में सर्व करोगे ना तो वो एक बहुत अच्छा लुक भी देगा और अच्छी फील भी देगा आपके फ्रेम को। तो क्या कीजिए कि ये ऐसी एक बाल्टी में भी इन्वेस्ट कर लीजिए। देन मेरे पास कुछ ये ग्लासेस हैं, इसमें क्या होता है कि आपने कुछ थिक शेक्स बना लिए
आइसक्रीम संडेज बना लिए, तो उसको इसमें सर्व करोगे ना तो वो अच्छा लुक देगा। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ आती है ना आपके फोटो को जो अट्रैक्टिव बनाती है बहुत छोटे एफर्ट्स के साथ, वो है कुछ फैब्रिक्स। वो फोटोग्राफी की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं टेक्सचर्ड फैब्रिक्स। मोस्ट पॉपुलर है ये जूट वाला। इसको यूज करने में क्या मेन ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आप जो ट्रेडिशनल डिशेस हो गई, हमारी अचार हो गया, या फिर वो मैं आपको दिखाऊंगी, मसाला हो गया, कुछ चटनी बनाई है, तो उसके अंदर आप इसे यूज़ करोगे ना तो वो आपकी डिश को उभारेगा। आपको कोई फैंसी डिश बना रहे हो तो उसके अंदर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, वो आपकी डिश को फिर बिगाड़ देगा। कुछ सिंपल टॉवल्स है मेरे पास, ये भी मेरा फेवरेट वाला है। एक और चीज़ मैं बताऊँगी कि आप जो भी टॉवल्स यूज़ कर रहे हो ना वो न्यूट्रल कलर के होने चाहिए, ज़्यादा चमकीले या फिर प्रिंटेड यूज़ मत कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो डिश है ना वो पॉपअप होनी चाहिए, उसके बजाय क्या होगा जो साइड पे रखा है वो ज़्यादा उभरेगा। तो एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है, ये वाले मोस्ट बेसिक बहुत अच्छा लुक भी देते हैं डिश को। ये ग्लव, बेकिंग की कुछ भी चीज़ आप रख रहे हो और उसके साइड में अगर आप इसे एज अ प्रॉप रखोगे तो ये आपकी फ्रेम को अमेजिंग लुक देगा। तो ये सब हो गए हमारे फैब्रिक प्रॉप्स। अब बात करते हैं फोटोग्राफी के मेन एलिमेंट, दैट इज बैकड्रॉप एंड अ सरफेस। बैकड्रॉप क्या होता है? जनरली हम क्या करते हैं, पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, जब मेरे पास ये बैकड्रॉप या सरफेस अवेलेबल नहीं थे तो सिंपल प्लेन दुपट्टा हो गया। एक है मेरे पास जिसे मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, अगर आप मुझे कुकपैड या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा, ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ दुपट्टा है मेरा। इसे एज अ सरफेस में यूज़ करती थी पहले, पर जब से मैं ये फूड ब्लॉगर के कॉन्टेक्ट में आई ना तो मुझे पता चला कि ये बैकड्रॉप होता है, सरफेस होती है, ये चीज़ें आपके पास होना, एटलीस्ट दो तीन भी होना, तो आप ज़्यादा एफर्ट्स डाले बजाय बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है वो आगे। सर कुछ बैकड्रॉप्स मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये वाला जो है वो MDF बैकड्रॉप है। MDF मतलब एक शीट आती है उसको MDF शीट बोलते हैं। ये MDF वाले बैकड्रॉप्स हैं, ब्लू शेड में है, ब्लू विथ क्लाउडी प्रिंट। नेक्स्ट साइड ब्राउन, रस्टिक ब्राउन। ये दिखने में बहुत कॉमन लगता है पर जब आप इसके ऊपर फोटोग्राफी करते हो ना तो आपकी चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा उभर के आती है। जब आपको न्यूट्रल फोटोग्राफी चाहिए हो, मतलब बहुत कुछ कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए आपको, न्यूट्रल पिक्स चाहिए, तो ये वाला जो बैकड्रॉप है ना वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। नेक्स्ट मेरे पास ये वाइट वाला है, मोस्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल। किसी भी फूड की फोटोग्राफी के लिए आप वाइट वाला बैकड्रॉप ले लिया देन यू आर सॉर्टेड, किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक जो सबसे ज़्यादा यूज बैकड्रॉप है वो ये वाला है। टेक्सचर्ड बैकड्रॉप ग्रे कलर में है विथ क्लाउडी प्रिंट्स, और दूसरी तरफ है ब्लैक विथ टिंट ऑफ ब्लू। ये दिखने में बहुत कॉमन लगते हैं पर जब आप इसके ऊपर फोटोग्राफी करो ना तो मतलब वो आपके पिक्चर्स को एक अनदर लेवल पे ही लेके जाता है। आप खुद पहचान नहीं पाओगे कि अरे वाह ये मेरा पिक्चर है, इतना अच्छा दिख रहा है। सच में ये बहुत अमेजिंग वर्क करते हैं आपकी फोटोग्राफी के लिए। एक और बैकड्रॉप मेरे पास है, एज सच वो बैकड्रॉप तो नहीं है पर मैं उसे ऐसे यूज़ करती हूँ, और जब भी मैंने उसे यूज़ किया है ना मुझे शाम तक दो चार मैसेज तो आ ही जाते हैं कि ये क्या है, कौन सा बैकड्रॉप है, वो ये वाला है।
कृपा ये सब हो जाएगा ना तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से लिए है, क्या है और सब कुछ। ये वाला एक बैकड्रॉप जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, रॉ वुड जो होता है ना उसकी शीट से बना है ये। ये आपको किसी भी फ्रूट वेंडर्स के पास मिल जाएगा। आपने देखा होगा मैंगो हो गए, एप्पल्स हो गए, जो वो रॉ वुड के बॉक्स में आते हैं ना, तो उसी के ऊपर से मैंने ये बनाया है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि बैकड्रॉप्स कहाँ से लेने हैं, क्या करना है। आपको बैकड्रॉप्स परचेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी बैकड्रॉप्स मैंने आपको दिखा है ना, वो सब हैंड पेंटेड है, हैंडमेड है और बहुत ही ईजिली अवेलेबल चीज़ों से बन जाते हैं। दिखा दी हूँ मैं आपको, ये जो मैंने बनाया है ना, ये सिंपल चार्ट पेपर था। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, व्हाट इज़ योर नेम डियर, आई एम ख्याति धवल चौहान। ओके, तो जो ये वाला चार्ट पेपर, ये वाला जो बैकड्रॉप मैंने बनाया है ना, उसे सिंपल मैंने एक चार्ट पेपर में से बनाया था। बहुत जगह पे मैंने देखा कि आपके फूड को उबारने के लिए ना एक टेक्सचर्ड बैकड्रॉप की ज़रूरत होती है। अब लॉकडाउन के दौरान तो मैं वो परचेस नहीं कर पा रही थी, तो ऑल थैंक्स टू कोरोना मुझे बहुत सारे हैंड पेंटेड बैकड्रॉप्स मिल गए। क्या किया मैंने, चार्ट पेपर लिया, अच्छे से इसको मसल मसल के टेक्सचर्ड बना दिया, फिर एक्रेलिक पेंट्स जो आते हैं ना उनसे अच्छे से इसको पेंट कर दिया, ग्रे पेंट किया और फिर वाइट से इसके ऊपर क्लाउडी प्रिंट्स दे दिए। जब आप कलर चूज़ करो ना इसके ऊपर करने के लिए, तो आप प्लीज़ वाटर कलर मत चूज़ कीजिए, व्हाट यू चूज़ इज़ एक्रेलिक कलर्स। उससे क्या होता है कि अगर आप फोटोग्राफी के दौरान आपसे कुछ गिर गया या पानी लग गया, तो आपका बैकड्रॉप जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। अगर आप वाटर कलर यूज़ कर लोगे तो वो फेड आउट हो जाएंगे कलर्स और सब कुछ फिर बिगड़ जाएगा। एक और चीज़, जब आप एक्रेलिक कलर्स ले रहे हो ना, तो उसमें दो टाइप्स के आते हैं, पर्ल मेटालिक और एक होते हैं मैट लुक फिनिश वाले। तो आप क्या करो कि वो मैट फिनिश वाले एक्रेलिक कलर्स पसंद करो। उससे क्या होगा कि जब आप उसके ऊपर फूड रख के फोटोज लोगे ना, तो अगर वो मैच होगा ना तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो मेन फोकस है ना वो फूड के ऊपर ही रहेगा। थैंक यू सो मच तेजल। कौन से कलर्स यूज करने चाहिए? हाँ, तो ये मैं, जैसे कि मैंने बताया, आपको किसी भी चार्ट पेपर के ऊपर या MDF के ऊपर कलर करना हो तो आप एक्रेलिक कलर्स यूज़ करो। फेविक्रिल के आते हैं, कुछ ब्रांडेड भी आते हैं, तो आप वो कलर्स यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर दोज कलर्स आर मैट फिनिश्ड, ओके। उससे क्या होगा कि आपका जो बैकड्रॉप है ना वो बहुत नाइस दिखेगा और रिफ्लेक्ट नहीं करेगा किसी चीज़ को, लाइट को। सी, अभी ये जो मैंने बना लिया ना, इसको मैं नीचे रख के इसके ऊपर फूड रख के फोटोग्राफी करूंगी, तो मैं इसको बोलूंगी सरफेस, राइट। और अगर मैंने इसको ऐसे लगा दिया, और एज सरफेस में ये यूज कर रही हूं, तो मैं इसको बोलूंगी बैकड्रॉप, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरा ये नॉलेज आप लोगों को हेल्पफुल रहा। ओके, तो ये बैकड्रॉप्स की बात हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं फोटोग्राफी के एंगल्स के लिए। क्या होता है, एज अ बिगिनर मैं क्या करती थी, दो तीन फोटोज़ ले लिए फिर मैं छोड़ देती थी। पर लास्ट में जब स्क्रीनिंग का टाइम आता था कि कौन से पिक्चर पोस्ट करूँ, क्या करूँ, तब मुझे क्या होता था कि अरे ये एंगल से मुझे फ़ोटो लेना चाहिए था, वो एंगल से मुझे फ़ोटो लेना चाहिए था, ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, अरेंजमेंट करके रखती हूँ, डिश रखती हूँ, हर एक एंगल से फ़ोटो ले लेके रख देती हूँ।
ऐसे ले लिया, ऊपर से ले लिया, 45 डिग्री से ले लिया, तो आप भी ऐसे करो, बहुत सारे क्लिक करके रख लो, इसमें से जो भी कुछ आपको पसंद आते हैं वो रखो, दूसरे डिलीट कर दो। तो जो तीन मेन एंगल्स होते हैं ना, वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। जैसे कि ये मैंने एक रख लिया, ये एक लाटे कप है, बहुत क्यूट है, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, ये लाटे का कप मैंने रख दिया यहाँ पे। अब अगर मैं ऊपर से फोटो ले रही हूं तो इसको क्या बोलेंगे, ओवरहेड फोटोग्राफी, ओवरहेड फोटोग्राफी। इससे क्या होगा, पूरा जो आपका सरफेस है वो दिखेगा, जो भी आप प्रॉप्स यूज कर रहे हो वो अपर व्यू से दिखेंगे। ये हो गया हमारा ओवरहेड फोटो, इसको फ्लैट ले भी बोलते हैं। दूसरा हो गया ये वाला, राइट, ये जो हो गया उसे बोलते हैं 45 डिग्री शॉट। और एक हम फोटो लेते हैं ये करके, ऐसे, क्या होगा ये वाला शॉट, राइट, तो इसको बोलते हैं हेड ऑन शॉट। जब आप हेड ऑन शॉट ले रहे हो ना, तो मेक श्योर यू आर यूजिंग अ नाइस बैकग्राउंड कॉन्ट्रास्टिंग टू द सरफेस दैट यू आर यूजिंग। मैंने यहाँ पे ब्राउन सरफेस ली है और ऊपर ये ग्रे क्लाउडी प्रिंट वाला बैकड्रॉप टेक्सचर रखा है। सी द इफेक्ट दैट पिक्चर इज गिविंग, ओके, तो ये हो गए हमारे तीन एंगल्स। ओवरहेड फोटोग्राफी मतलब ऊपर से लेना, 45 डिग्री एंगल फोटोग्राफी जिसको हम पिक्चर्स को ऑब्जेक्ट को जूम करके भी ले सकते हैं, जैसे कि समोसा रख लिया, पकौड़े रख लिए, तो किसी और के ऊपर फोकस करके भी आप फोटो ले सकते हो। और एक हो गया ये वाला हेड ऑन फोटोग्राफी, दैट इज 90 डिग्री एंगल वाली फोटोग्राफी। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, अभी जो मोबाइल्स आ रहे हैं ना, उसके अंदर फूड मोड देख रहे हो, ये फूड मोड पहले से बाय डिफॉल्ट दिया हुआ ही होता है, तो उससे क्या होता है, वो मोड ऑन करके आप अगर फोटो ले रहे हो ना, तो आपके जो जो भी एलिमेंट्स हैं ना वो उभर के आते हैं, मतलब आपको पिक्चर लेने के बाद एक्स्ट्रा एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये दिखा दी मैं आपको, सिंपल क्लास है ये तो, पर फिर भी ये क्या करता है, आपके जो जो भी कलर्स है ना उसको निखार के देता है, मतलब आपको सैचुरेशन करने की, वॉर्म बढ़ाने की, कॉन्ट्रास्ट देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये सब थी बेसिक नॉलेज फोटोग्राफी के रिगार्डिंग। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कुछ जानना हो तो बोल सकते हो आप, या तो फिर हम जो हमारे बिहाइंड द सीन्स है, कुछ डिशेस मैंने प्रिपेयर करके रखी हैं, उनकी फोटोग्राफी देख लेते हैं। आई हैव दिस, माय डॉटर टोल्ड मी 3 days अगो, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, नाइस टिप्स भावना शर्मा, थैंक यू। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, जो जो भी चीज़ें मैंने प्रिपेयर की है ना आज की फोटोग्राफी के लिए, उसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक रखने की ट्राई की है। कुछ इनोवेटिव डिशेस रखूँगी ना, तो वो क्या होगा कि सब तो बनाते हैं नहीं वैसे इतना सब कुछ, क्योंकि ईजीली वो रूटीन में हमारे रहता है, तो मैंने डिशेस उसी प्रकार से प्लान की है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी, ओके, आज पवन इतना ज्यादा है कि मेरा कुछ भी अरेंजमेंट प्लेस भी नहीं रह रहा है।
सिंपल हम कुकीज़ भी करेंगे. ऑफकोर्स ये जो कुकीज़ मैं यूज़ करी वो हैंडमेड नहीं है. मुझे न्यूट्रल फोटोग्राफी और न्यूट्रल फ्रेम जो होती है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, न्यूट्रल या तो फिर रस्टिक लुक वाली. तो जो पहली फोटोग्राफी है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल रखने की कोशिश करेंगे. मेरे पास ये कुछ कुकीज़ है, इसकी फोटोग्राफी हम आज पहले शॉट में करेंगे. कुकीज़ की फोटोग्राफी करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम प्रॉप्स क्या यूज़ कर रहे हैं. मैम इफ वी हैव नॉट फूड मोड देन कैन वी डू. ऑफकोर्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा फूड मोड चूज़ नहीं करती. मैं जो नॉर्मल फोटोग्राफी का मोड होता है ना, जैसे कि आप कैमरा ऑन कर रहे हो और वो जो नॉर्मल मोड रहता है ना उसी से फ़ोटो लीजिए आप. अगर आप नेचुरल लाइट में फ़ोटो ले रहे हो ना तो आपकी फ़ोटो में हर एक डिटेलिंग अच्छे से निखर के आएगी. अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो ना तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे फ़ोटोज़ ले लिए, स्क्रीन करके एक फ़ोटो आपने चूज़ कर ली, फिर जाके आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ा या कम कर दीजिए, शेडो कम या बढ़ा लीजिए, बॉम कम ज़्यादा कर दीजिए, तो वो हो जाएगा. देन यू आर सॉर्टेड. आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपके मोबाइल में फूड मोड होना ही चाहिए. अगर नहीं भी हुआ तभी आप अच्छे से फोटोग्राफी कर ही पाओगे. तो मैं बता रही थी कि कुकीज़ के लिए हमें क्या क्या प्रॉप्स लेने चाहिए और वो कैसे डिसाइड करेंगे आप. तो कुकीज़ बेकिंग की चीज़ हो गई, तो आप क्या कीजिए कि इसको फ्रेम में लगाने के लिए या तो आपकी बेकिंग जो डिश आती है वो यूज़ करिए. इसके ऊपर बटर पेपर को ऐसे ऐसे चूरा चूरा करके रखा दीजिए, कुकीज़ को अरेंज कर दीजिए और फ़ोटो ले लीजिए. बहुत सारे लोगों ने ये फ़ोटो लिया हुआ है, मैंने देखा है, सब लोग कुकपैड पे पोस्ट करते रहते हैं. तो आज मैं क्या कर रही हूँ, एक अलग टाइप से आपको कुकीज़ की फ़ोटो लेना सिखाने की ट्राई कर रही हूँ. मामूली सी चीज़ें होती हैं ना वो आपकी फोटोग्राफी को बहुत अच्छे से निखार सकती हैं. तो हम क्या करेंगे, ये कुछ पेपर्स है, रैंडमली उसको अरेंज कर देंगे ऐसे. आपको ये सब चीज़ों करने में बिल्कुल भी परफेक्शन नहीं लगानी है. आप जितना परफेक्ट करने की कोशिश करोगे ना आपके पिक्चर्स उतने बुरे आएंगे. तो ये ध्यान रखो कि आप जो भी कुछ करें ना वो मैसी होना चाहिए. मतलब ये ऐसे पेपर ऐसे रख दिया, दूसरा ऐसे रख दिया, तीसरा ऐसे रख दिया, दैट्स इट. अरेंज करके रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. और फिर ये ध्यान रहे कि आप इतना भी मैसी मत बना दीजिए कि वो कोई बच्चे ने किया हो वैसा दिखे. ये पेपर्स अरेंज हो गए, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कुकीज़ को अरेंज करेंगे. जब आप कुकीज़ को अरेंज कर रहे हो ना तो भी आप ध्यान रखो कि आप उसको लाइन में या ऐसे वैसे मत रखिए, रैंडमली कैसे भी रख दीजिए. मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली जो मुझे पसंद आ रहा है वैसे रखती जा रही हूँ. और एक कुकी को ऐसे तोड़ ताड़ के बस ऐसे हो गया सिंपल. चीज़ें तो काफ़ी नहीं होगी, हमें कुछ प्रॉप्स लगाने होंगे. तो कुकीज़ के साथ हम क्या पसंद करते हैं लेना, दूध या चाय. पहला फोटोग्राफ मैं दूध के साथ दिखा देती हूँ, ये दूध हो गया. कुछ और प्रॉप्स के लिए मैं यूज़ करूँगी ये इसकी. थोड़ी चीनी डाल दूँगी मैं इसके अंदर टू मेक द एंटायर फ्रेम कम्प्लीट. उसको यहाँ पे रखूँगी, ये हो गया. फिर ये एक मेरे पास लिड है, कोई बॉटल का लिड है जो मैंने संभाल के रखा था. इसके अंदर मैं थोड़ा बॉर्नविटा डाल दूँगी.
करेंगे कौन सी वाली, ओवरहेड। जैसे कैमरे में देखोगे ना कि मेरी फ्रेम कैसी लग रही है, उसी दौरान आपको पता चल जाएगा कि कुछ क्या रीअरेंजमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ अलग करने की ज़रूरत है, कुछ कम करना है, कुछ बढ़ाना है। बहुत लाइट आ रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा। इसे दिखाओ, ये क्या हो रहा है ना कि कैमरे के पीछे तुरंत दरवाज़ा है तो वो दिख नहीं रहा होगा आपको अच्छे से। मैं क्या करती हूँ, ऐसे करके थोड़ा दिखा देती हूँ। इट इज़ ऑल्सो नॉट विजिबल। फिर भी नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ बहुत सारा ब्राइटनेस दिख रही है इसमें। थोड़ा दरवाजा मैं बंद करके ट्राई करती हूँ। अब दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई गाइस। अगर आपको विजिबल ना भी हो ना तो भी आप मुझे बताइए। ये विजिबल नहीं हो पा रहा है। रुको, एक और लाइट में बंद करके दिखाती हूँ। मैं काम करती हूँ, ये जो भी मैं पिक्स ले रही हूँ ना, आफ्टर द सेशन मैं वो सभी फोटोग्राफ्स हमारे कुकपैड हिंदी पे पोस्ट कर दूंगी। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं ये वर्कशॉप का जो सेशन खत्म होता है ना, उसके बाद सारे जो पिक्चर्स हैं वो हमारे कुकपैड हिंदी में पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, नाउ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा थोड़ा देख पा रही हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अभी मैं क्या करती हूँ, आपको पूरा सेटअप दिखा देती हूँ, और जब वर्कशॉप खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद में सभी पिक्चर्स आपको लास्ट में दिखा दूंगी। ये टाइप का जो अरेंजमेंट रहता है ना पैटर्न्स वाला, तो उसके लिए ओवरहेड फोटोग्राफी ठीक रहती है। आप ऐसे करके लोगे या ऐसे करके लोगे 45 डिग्री वाला हेड ऑन फोटोग्राफी, तो वो इतनी अच्छी नहीं जाएगी। उसके लिए आपको थोड़े बहुत कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे। कुकी का आप स्टैक बना दो, कुछ ऐसे करके रख दो, तो और फिर आपको ऐसे करके लो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो वो जो यूजुअल टाइप की फोटोग्राफी होती है ना, जो आप सबको पता है, तो वो मैं क्या कर रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन अभी बाकी है। तो जो अलग किस्म की है वो मैं दिखाने की ट्राई करती हूँ। तो ये वाली अब हम फिनिश करते हैं यहीं पर।
करना होना और चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व करना हो, तो मेक श्योर कि आप जो भी कोई मग या ऐसे कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, वो आपके प्रॉप, बैकग्राउंड और कुकीज़ के साथ जाता हो। मैंने यहाँ पे गुड्डे लिया है, हमारा बैकड्रॉप जो है ब्राउन कलर का है, तो मैं कौन सा मग चूज़ कर रही हूँ, ये क्रीम कलर और ब्राउन कलर वाला। इससे क्या होगा कि जो पूरा पिक्चर है ना वो फ्लो में जाएगा, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे को ओवरपावर नहीं करेंगे। ये चीज़ एक आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपका कोई भी प्रॉप जो है वो किसी और को ओवरपावर ना करे, वो सबके साथ फ्लो में जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो फोटोग्राफी हम करेंगे वो समोसा की करेंगे। मेरे यहाँ पे तो बारिश हो गई तो मैंने सोचा क्यों ना समोसा ही लिया जाए। समोसा एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग गरम गरम खाना पसंद करते हैं, राइट? तो जो भी चीज आप गरम गरम खाना पसंद करते हो ना, तो मेक श्योर उसके जो उसका जो वॉर्म सेटिंग आता है ना वो इतना अच्छा हो कि आपका बैकग्राउंड जो है वो डल दिखे और आपकी जो चीज़ है वो ब्राइट दिखे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये जो ग्रे वाला बैकड्रॉप है ना वो यूज़ करूँगी। समोसा एक लोकल स्ट्रीट डिश हो गई, तो उसको अच्छे से ब्रांडेड ग्लासवेयर या डिश या उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। मैम प्रॉप और इंग्रेडिएंट्स को प्लेस करने की डायरेक्शन भी बताएं प्लीज। जी हाँ, मैं वही दिखाने की ट्राई कर रही हूँ। समोसे की फोटोग्राफी हम ओवरहेड और 45 डिग्री एंगल से करेंगे, तो उसके लिए हमें बैकड्रॉप की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास कुछ मिनी समोसा है। समोसे को प्लेट करने के लिए मैं एक व्हाइट पेपर यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से कैची से मत कट करिए, हाथ से ही ऐसे कुछ फाड़ दीजिए इसे। चीज़ मैंने जानी थी जब मैं वर्कशॉप्स अटेंड करती थी, तब जब आप ऐसी चीज़ें अरेंज कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो ऑड नंबर में हो, मतलब 3 हो 5 हो 7 हो, जो इवन नंबर्स में जो आपकी चीज़ें आती हैं ना वो आपके पिक्चर्स को मतलब इतना अच्छा नहीं दिखा पाती, इतना अच्छा जस्टिस नहीं कर पाती जितना आप ऑड नंबर में लेके प्लेट करते हो। फोटोग्राफी में एक चीज़ क्या है कि आपको कोई भी चीज़ों में परफेक्शन लाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें आप मैसी रखोगे, खाने के साथ प्ले करके अरेंज करोगे, तो वो बहुत निखर के आएगा। समोसा एक तोड़ के भी रखिए। मेन प्रॉप कटिंग चाय,
ध्यान रखें कि चटनी का जो आप बॉल रखते हो ना उसके अंदर एक चम्मच भी रख दीजिए। ये क्या करेगा कि आपकी पूरी फ्रेम को कंप्लीट कर देगा। दो एंगल से हम इसकी फोटोग्राफी करेंगे, एक तो फ्लैट ले लेंगे और दूसरा 45 डिग्री वाला शॉट। फिर से वही प्रॉब्लम शायद आएगी। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब दिख रहा है फ्रेंड्स, शायद अब ये विजिबल है, दिखा? प्लीज फ्रेंड्स मुझे बताइए कि आपको विजिबल है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि जो भी आपने कुछ अरेंजमेंट की हो ना, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप उस सभी को आपकी फ्रेम के अंदर फिट करो। कुछ छूट जाता है, कुछ कट हो जाता है, तो ये सब होगा ना तो वो क्या करेगा, आपके फोटो को नेचुरल लुक देगा, मतलब अच्छा खासा दिखेगा। देखिए ये जो पेपर है थोड़ा बहुत मैंने कट कर दिया नीचे से, फोटो लेने के दौरान ये कुछ समोसे कट हो गए नीचे से, तो वो क्या करेंगे आपके फोटो को बहुत अच्छा लुक देंगे, राइट? ये वाला तो विजिबल है, शायद थोड़ा थोड़ा ही दिखता है पारुल जैन। मैं क्या करूंगी, पूरे सेशन के बाद सभी के सभी फोटोज हमारे ग्रुप में डाल दूंगी। ओके और अब मैं क्या करूंगी, एक 45 डिग्री वाला आपको लेके दिखाती हूँ। जब आप 45 डिग्री वाला शॉट ले रहे हो ना, तो मेक श्योर आप मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके रखो। तो क्या होगा कि आपके जो मेन एलिमेंट्स है ना वो क्लियर दिखेंगे और शार्प एज वाले दिखेंगे, और जो क्रॉप्स है ना वो थोड़े बहुत ब्लर दिखेंगे, तो वो क्या करेगा आपके पिक्चर को अच्छा दिखाएगा। कुछ एफर्ट्स नहीं डाले हमने, सिंपल व्हाइट पेपर ले लिया, कटिंग चाय ले ली, चटनी का बॉल ले लिया, मैजिक किसने किया, ये हमारे बैकड्रॉप में। इससे क्या होता है, जो भी कुछ आप ले रहे हो ना वो अच्छे से उभर के आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी जो थोड़ा बहुत लॉकडाउन चल रहा है ना, तो आप भी कुछ ऐसे दो चार बैकड्रॉप बना लीजिए, बहुत ईजी है। किड्स भी घर पे हैं तो वीकेंड्स पर उनको भी ऑक्यूपाइड रखिए। ये पेंटिंग करने में बहुत कुछ परफेक्शन की तो ज़रूरत होती नहीं है। नो वॉइस, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? यस, पोर्ट्रेट मोड भी यूज़ कर सकते हो आप, पर उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जैसे कि यहाँ पे हमने चीज़ें ले ली, तो पोर्ट्रेट मोड क्या करेगा, किसी किसी समोसे को वो फोकस्ड रखेगा और किसी किसी चीज़ को वो ब्लर कर देगा। वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा कि कौन सी चीज़ फोकस्ड दिख रही है और कौन सी चीज़ ब्लर दिख रही है। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगी कि आप नॉर्मल मोड में फ़ोटो लें, और फिर जब आप एडिटिंग कर रहे हो या ऐसे कुछ कर रहे हो, तो मेन ऑब्जेक्ट के सिवाय का जो चीज़ें हैं आप उसको मैन्युअली ब्लर कर दो। पोर्ट्रेट मोड आप कब यूज़ कर सकते हो, जब आपके पास राइस का बॉल हो या फिर कोई ऐसी डिश हो जिसके अंदर राइस है, चावल है, पार्टीशन के हिसाब से, तो तब आप पोर्ट्रेट मोड यूज़ कर सकते हो। क्योंकि तब क्या होता है, मेन फोकस किस पे होता है, आपके डिश के ऊपर होता है। तब
चीज के फोकस की ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? तो तब आप पोर्ट्रेट मोड इजीली यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको फोकस करने के लिए एक ही चीज है, आपका जो राइस का बॉल, आपको किसी और चीज को फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो पोर्ट्रेट मोड क्या करेगा, वो इजीली आपकी एक ही चीज को अच्छे से फोकस कर देगा। और अभी के जो कैमरेज आते हैं ना, वो कैसे डेप्थ उसके अंदर आप अच्छे से सेट कर पाते हो कैमरा नज़दीक या दूर करके। तो अगर डेप्थ अच्छी आ गई ना, तो आपने जिसके ऊपर फोकस किया है वो शार्प एज वाला दिखेगा, और उसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी ब्लर दिखेगी। प्लीज़ यू टेक अ पिक इन पोर्ट्रेट मोड। श्योर पारुल, मैं आपको एक पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर लेके दिखाऊंगी, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पोर्ट्रेट मोड किसके लिए यूज करो, जब आपके पास एक ही बॉल हो, एक ही डिश हो जिसके ऊपर आपको फोकस करना है और दूसरी चीजें कुछ ना हो। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज है, तो पोर्ट्रेट मोड में क्या होगा कि आपका मोबाइल सेंस नहीं कर पाएगा कि किसको हमें फोकस रखना है। ये एक दो तीन चार इतने सारे समोसा हो गए, कटिंग चाय हो गई, तो वो इतना जस्टिस नहीं करेगा हमारे ये वाले कंपोजिशन को। तो दिस वाज ऑल अबाउट समोसा। नेक्स्ट वी हैव अवर बनाना स्मूदी, बनाना बीट स्मूदी। मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है, कलरफुल भी दिखती है और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है। मेरे बेटे को मैं शरबत बोल के पिला देती हूँ और वो भी पी जाता है, पिंक पिंक दिखता है। तो उसके लिए हम रॉ वुड वाली जो हमारा बैकड्रॉप है ना, वो यूज़ करेंगे। पोर्ट्रेट में बैक वॉल ब्लर आती है, ऑफ कोर्स बैक वॉल ब्लर आती है, पर कब आती है, जब आपके पास फोकस करने के लिए, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस फ्लावर बैग विद मी, मैंने ये यहाँ पे रख दी और ये सिर्फ एक ही चीज़ की मैं फोटो ले रही हूँ, तो पोर्ट्रेट मोड इस वाली फ्रेम को जस्टिस करेगा, वो सिर्फ ये बैग को फोकस्ड रखेगा और सारा बैकग्राउंड ब्लर कर देगा। ये जो वाला कंपोजिशन हम बनाने जा रहे हैं ना, तो उसके लिए भी हम फ्लैट ले प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है कि ये जो कलरफुल स्मूदी है ना उसको दिखाना है ऊपर से, ग्लास हमें नहीं दिखाना है। तो डजंट मैटर आपके ग्लास प्रिंटेड है या फिर प्लेन है या कुछ भी हो। आई एम अरेंजिंग 3 ग्लासेस ओवर हियर। रैंडमली आप कैसे भी अरेंज कर लीजिए। जब आप ऊपर से मतलब कि ओवरहेड फोटोग्राफी कर रहे हो ना, तो टॉप पोर्शन है वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। तो ये तो सिंपल स्मूदी हो गई, तो इसको और अट्रैक्टिव करने के लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास कुछ बनाना स्लाइसेस हैं, इसके ऊपर मैं प्रॉप्स यूज करूँगी, तो जिससे बनाई है वही चीज़ मैं यूज़ करूँगी। के ऊपर मैं एक एक बनाना रख दूंगी। ओके, नेक्स्ट इसे बनाने के लिए मैंने न्यूट्री सीड्स यूज किए थे, ये वाले सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, तो मैं क्या करूंगी वो भी थोड़े डाल दूंगी।
सब्जेक्ट है वो रेडी हो गया। बैकड्रॉप की बात करें तो ये जो बहुत सारी नेगेटिव स्पेस है उसे भरने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कलरफुल है तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये कुछ ड्राइड फ्लावर्स है उसी कलर के हैं, मैं उसको रेंडमली यहाँ पे बिखेर दूँगी। कैसे भी बिखेर दीजिए, इट विल लुक नाइस। पिक्चर फ्रेम रेडी हो गई हमारी। ज़्यादा या कम हो रहा हो तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, वो आपको कब पता चलेगा, आप जब कैमरे में देखोगे ना सब चीज़ों को तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ज़्यादा है क्या कम है। मेक श्योर जो आप ये फ्लावर्स रख रहे हो ना वो आपके पिक्चर को इतने सारे क्लाउडी ना बना दें। अब ये दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, इज दिस पिक्चर विजिबल टू यू ऑल? कोई एडिटिंग नहीं की है, ये नॉर्मल पिक्चर है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, तो क्या होगा कि आपके जो ये स्मूदी का कलर है ना पिंकिश पर्पल, वो और भी निखर के आएगा। इसके अंदर 45 डिग्री या फिर हेड ऑन फोटो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाले जो कंपोजिशन है उसके अंदर फ्लैट ले ही अच्छा लगेगा। ओके, तो दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ख्याति तो सिर्फ फ्लैट लेस दिखा रही है, पर मुझे फ्लैट लेस बहुत पसंद आते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो एंटायर थिंग है ना वो एकदम निखर के आती है, अच्छा दिखता है सब पूरा। गेस व्हाट इज दिस, ये फोकाशिया, मेरी पर्सनल फेवरेट ब्रेड, फुल ऑफ स्पाइसेस एंड गार्लिक। इसके एक नेक्स्ट फोटोग्राफी हम देखेंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगी, कोई भी बैकड्रॉप चलेगा, क्योंकि इसको प्लेट करने के लिए ना मैं चॉपिंग बोर्ड यूज करने वाली हूँ। ये हो गया हमारा वुडन चॉपिंग बोर्ड। आई यूज दिस बटर पेपर फॉर दिस। बटर पेपर आप जब भी यूज करो ना तो उसको एज सच यूज मत करो, मतलब जैसे ही आपने खरीदा हो फ्लैट उसको आप थोड़ा ऐसे करके यूज करो। सिंपल क्या किया है मैंने, ये एक चॉपिंग बोर्ड है वुडन, उसके ऊपर मैंने चूरा चूरा करके ये वाइट पेपर रखा है। इनकम्प्लीट लग रही है ना पिक्चर, क्या करेंगे इसके अंदर प्रॉप्स क्या यूज करेंगे, जो जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने सजाने के लिए रखे हैं ना वो मैं
एज अ प्रॉप यूज करूंगी इसके अंदर. अनियंस हो गए, टमाटर हो गया. कैन वी यूज चॉपिंग बोर्ड फॉर पिज्जा एंड बर्गर? ऑफ कोर्स, बेस्ट रहेगा पिज्जा और बर्गर के साथ. टमाटर, सम ग्रीन चिलीज, हैलेपिनो अगर आपके पास हो, ये कुछ गार्लिक्स हैं, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिए थे, मैंने संभाल के रखे क्योंकि ये फोटोग्राफी में बहुत अच्छे जाते हैं. लाइक दिस, अनियंस, सीजर, चाहो तो हर्ब्स की जो बॉटल आती है ना वो भी खोल के यहाँ पे रख सकते हो. दिखाती हूँ अभी. इन केस यू वांट टू यूज दिस, कैन प्लेस इट ओवर. तो ये हो गई हमारी फ्रेम परफेक्ट. सही कहा, कह रहे हैं कि चॉपिंग बोर्ड ना हो तो क्या. अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड ना हो ना तो क्या कर सकते हो, आपके घर पे जो फर्नीचर का काम हुआ हो और आपके पास उसका जो कुछ भी कुछ वुडन पीस बचा हो ना तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो. मैं दिखाती हूँ, मेरे पास एक है. दिस इज द वुडन पीस. सी, मेरे घर पे जब फर्नीचर बना था ना तो ये मैंने सेव करके रखा था. मैं इस पे बेवरेजेस की फोटोग्राफी होती है ना वो करती हूँ. तो क्या करती हूँ, अच्छा सा सरफेस रखती हूँ, उसके ऊपर ये वाला वुडन पीस रखती हूँ, फिर मग रखती हूँ, ग्लास या मग कुछ भी हो गया, और फिर हेड ऑन फोटोग्राफी करती हूँ. तो क्या होता है, ये जो एजेस है ना वो भी दिखती है, एंटायर ग्लास की हाइट भी दिखती है, और पीछे अच्छा सा बैकड्रॉप भी दिखता है. ये परफेक्ट कहा आपने, मेरे चॉपिंग बोर्ड पर कट मार्क्स हैं. जिसके भी चॉपिंग बोर्ड पे कट मार्क्स होंगे ना उसकी फोटोग्राफी बहुत ही अच्छी होने वाली है. क्योंकि क्या होता है कि वो आपके पिक्चर को एकदम नेचुरल लुक देता है. जितना टूटा फूटा ये सब मार्क्स वाला या सड़ा हुआ लकड़ा आपका होगा ना उतना अच्छा फोटो आपका आएगा. तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि आपका जो चॉपिंग बोर्ड है वो टूटा हुआ है या फिर बिगड़ा हुआ है, वो आपको बेहतरीन फोटोज देंगे. ओके, इसके लिए भी हम ओवरहेड फोटोग्राफी करेंगे और एक 45 डिग्री वाला फोटो लेंगे. जब भी आप फोटोग्राफी कर रहे हो ना तो मेक श्योर कि आपकी जो लाइट आ रही हो ना वो साइड लाइट हो या फिर लाइट हो. ठीक है, वो क्या करती है कि आपके पिक्चर को अच्छा दिखाती है. मतलब पूरी की पूरी लाइटिंग में बैठ के आप फोटो लोगे ना तो वो क्या होगा, बहुत ब्राइटनेस वाला आएगा और कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा उसमें. थोड़ा बहुत दिख रहा है. जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे अरेंज की है ना, आप बिल्कुल भी ऐसी ट्राई मत कीजिए कि ये पूरा का पूरा हमारे फोटो में आना ही चाहिए. सीजर्स के ये हैंडल्स कट हो गए तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत ये पोर्शन कट हो गया तो भी चलेगा, बॉटल आधी कट गई तो भी चलेगी. ये जब ये सब चीज़ें जो इनकम्प्लीट रहती है ना एजेस पे, वो काफ़ी हद तक अच्छा लुक देती है हमारे फोटो को.
ब्राइटनेस की वजह से या फिर ज़्यादा लाइटिंग की वजह से दिख नहीं पा रहा होगा। मैं सभी फोटोज में डालने ही वाली हूँ। एक और पिक्चर मैं लूंगी ओवरहेड, ये 45 डिग्री वाली थी। आई नो पिक्चर नहीं समझ में आ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा लाइटिंग है यहाँ पे, डोर के अंदर से आ रही है। अब शायद दिख रहा होगा। ओके, एक और पिक्चर ले लेती हूँ 45 डिग्री वाला। थैंक यू पारुल जैन। हाँ, ये बहुत ही अच्छा टिप्स रहता है कि पूरा का पूरा मत लो, क्वार्टर पोर्शन हो गया या फिर कुछ छूट गया तो भी वो अच्छा ही दिखेगा। नेक्स्ट में ये ब्लैक और ब्लूइश टिंच वाला बैकड्रॉप यूज कर रही हूँ। सॉरी, ये नहीं करेंगे, ब्लू वाला करेंगे। दिस जो हम फोटोग्राफी करेंगे वो गुजराती स्पेशल खाखरा की करेंगे। यस प्लीज, नाइट फोटोग्राफी टिप्स। हाँ, ये सब खत्म हो जाएगा ना तो मैं कुछ बेसिक टिप्स आपको दे दूंगी। मेरे पास ये ब्लैक प्लेट्स हैं। खाखरा में रख रही हूँ इसके ऊपर। ये मिट्टी का कुल्हड़ है मेरे पास। अच्छा, चाय रख देंगे खाखरा के साथ। चाय खाखरा ऐसे तो नहीं खाते, मैं तो भाई मसाला लगा के खाती हूँ। थोड़ा रखेंगे साथ में। मैंने यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड लिया है, ब्लैक प्लेट्स ली है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो ये ब्लू और वायलेट और ब्लैक वाली प्लेट बॉल था ना, उसके अंदर मैं मसाला करूंगी। सॉरी किरण सोलंकी, कुछ कुछ कमेंट्स मेरी छूट गई है। वंस द सेशन इज ओवर मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगी। ये कुछ मेरे पास टी कोस्टर्स हैं, उसको रैंडमली रख दूंगी। कौन कौन खाखरा के ऊपर घी लगा के खाता है? मैं तो हमेशा घी लगा के खाती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मेन खाखरा है ना मेरा, उसके ऊपर घी लगाऊंगी थोड़ा।
मसाला डाल दूंगी उसके ऊपर। ये होममेड खाखरा मसाला है जो पीनट्स और गार्लिक चिली चाट मसाला से बनाते हैं ना वो वाला, ये मैं डाल दूंगी उसके ऊपर। कुछ मसाला थोड़ा बहुत बाहर भी बिखेर दूंगी। हमारी कंपोजिशन हो गई रेडी। आई पुट मोमो की चटनी ऑन द खाखरा। मैं ये ट्राई करके देखूंगी। हाँ, मैं जो खाखरा पिज्जा बनाती हूँ ना, तब मैं मेयो, पिज्जा स्प्रेडिंग, चीज, सलाद सब कुछ डाल देती हूँ, वो भी अच्छा लगता है। ओके, तो ये फ्रेम हमारी हो गई रेडी। जैसे कि हमने यहाँ पे सब डार्क प्रॉक्स यूज किए हैं, प्लेट, बोल, कुल्लड़, तो मैं क्या करूँगी, हमारे खाखरा का जो वॉर्म है वो ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूँगी। आई हैव मोस्टली ब्लैक कलर क्रॉकरी, वी कैन यूज इन विच डिशेज। आपकी जो भी डिश कलरफुल हो ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सलाद्स वाली हो, वेजिटेबल्स वाली हो, तो आप उसके अंदर वो यूज़ कर सकते हो। ब्लैक कलर क्या करेगा, आपके वेजीज और सलाद्स को निखार के दिखाएगा। मेक श्योर कि आप दोनों की दोनों प्लेट को अपनी फ्रेम में समाने की कोशिश ना करो। मैं क्या कर रही हूँ, ये वाली जो मेन प्लेट है ना वो कंप्लीट रखूंगी मेरी फ्रेम में, और ये जो दूसरी प्लेट है उसको हाफ रखूंगी दिस वे। अब शायद दिख रहा है। प्लीज टेल द कलर्स फॉर बैकग्राउंड। ओके, कौन से चीज़ के लिए चाहिए आपको? आप जैसे भी डिश रख रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग आप बैकड्रॉप अरेंज किया कीजिए। यहाँ पे मैं क्या दिखाने की ट्राई कर रही हूँ कि मेरे जो सभी प्रॉप्स है वो डार्क दिखे और मेरा जो फूड है वो वॉर्म डायरेक्शन में दिखे। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो सभी चीज़ें उसको डार्कर रख रही हूँ, जिससे कि मेरा खाखरा उभर के आए। इसको मैं ज़्यादा वार्म करके रखूँगी तो ये बैकड्रॉप के ऊपर वो ठीक जाएगा। आप देख नहीं पा रहे होंगे, जब आप मैं पोस्ट करूँगी ना तब आपको पता चल जाएगा कि ये वाला बैकड्रॉप और ब्लैक प्लेट इसको, ये वाली फ्रेम को बहुत अच्छे से जस्टिस कर रहे हैं। ओके, तो ये वाला हो गया हमारा खाखरा। एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो ना, तो एक और थिंग आती है, ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट मतलब आपकी फिंगर्स आ गए, आपका हाथ आ गया। मेरे डाइनिंग रूम में वाइट टॉप है, क्या उससे उस पर गुड फोटोग्राफ आएगी? बहुत अच्छी फोटोग्राफ आएगी। जनरली सबको लगता है कि वाइट बैकड्रॉप है तो उसमें क्या फोटोज आएंगी अच्छी, पर एक किस्म की फोटोग्राफी होती है उसको बोलते हैं लाइट एंड एरी फोटोग्राफी। उसमें क्या होता है कि जो सभी चीज़ें हो ना वो एकदम लाइट और मतलब एकदम लाइट दिखनी चाहिए, कुछ भी डार्क नहीं होता है। उसके अंदर बैकड्रॉप भी लाइट होता है, हमारे ग्लासवर्स जो होते हैं वो भी लाइट होते हैं। ओनली चीज़ जो कि कलरफुल होती है वो हमारा फूड होता है। तो उस किस्म की फोटोग्राफी के लिए आपका जो वाइट टेबल टॉप है ना वो अच्छे से वर्क करेगा। हाँ, मैं बता रही थी ह्यूमन एलिमेंट के बारे में। ह्यूमन एलिमेंट क्या होता है कि जैसे कि कोई है मेरे सामने, उसने ऐसे खाखरे की प्लेट पकड़ी है और मैं ऊपर से फ़ोटो ले रही हूँ, तो फ्रेम में क्या आएगा,
हाथ आएगा, खाखरा की प्लेट आएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन एलिमेंट. अगर आपके पास कोई है नहीं तो आप क्या कर सकते हो? जस्ट ब्रेक अ पीस ऑफ खाखरा, होल्ड इट लाइक दिस एंड कैप्चर इट फ्रॉम चॉप. हाँ, और ये वाला जो आप शॉट ले रहे हो ना, तब खास ध्यान ये रखना है कि आपका जो फोकसिंग हो ना वो इस पीस के ऊपर हो, ना कि ये पूरे बैकग्राउंड में जो हमारा सेटअप है उसके ऊपर. आपको दिखेगा तो नहीं वैसे, पर मैं फिर भी ट्राई करती हूँ. मैं आफ्टर और पोस्ट कर दूंगी. ये वाला जो पिक्चर है जो मैंने अभी खींचा, उसके अंदर क्या है कि जो ये पीस मैंने पकड़ के रखा है ना, फोकसिंग पूरा मैंने उसके ऊपर किया है. तो क्या दिखेगा कि जो ये मैं खाखरा होल्ड कर रही हूँ ना, वो अच्छे से शार्प एज वाला और क्लियर दिखेगा, और ये सब जो नीचे चीज़ें पड़ी है ना वो ब्लर दिखेंगी. तो आपको कुछ पोर्शन जो स्पेसिफाई करके दिखाना है, जैसे कि कुकी का क्रम्ब हो गया, मफिन की स्पॉन्जिनेस हो गई, भाखरी का बाइट हो गया, तो ये सब चीज़ों को आप ऐसे होल्ड करके दिखा सकते हैं. एक और चीज़ में ह्यूमन एलिमेंट दिखाना चाहती हूँ. जब मैं बेवरेजेस की फूड फोटोग्राफी करती हूँ ना, जैसे कि डिटॉक्स वाटर हो गया या फिर कोई जूस हो गया, तो उसके अंदर मैं ह्यूमन एलिमेंट के तौर पे ये हनी डिपर यूज़ करती हूँ. ऑफ कोर्स ये हनी नहीं है, ये चाय है, पर मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि कैसे करना है. आपको क्या करना है, आपका एक ग्लास है, सपोज ये ग्लास में मैंने पूरा ड्रिंक बना के रखा है, तो फोटो लेते वक्त मैं क्या करूँगी, जब भी आप बेवरेजेस की फोटोग्राफी करते हो ना, तो मेक श्योर कि आप हेड ऑन फोटोग्राफी करो. हेड ऑन मतलब 90 डिग्री वाली फोटोग्राफी. वो कैसे होगी? यहाँ से होगी, ऐसे. डू वी यूज पोर्ट्रेट मोड इन दिस? यस ऑफ कोर्स. बेवरेजेस की फोटोग्राफी जब आप कर रहे हो तो आप श्योरली पोर्ट्रेट मोड यूज कर सकते हो. तब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा ग्लास है बेवरेजेस से भरा है, तो ये हनी डिपर, हनी में डिप करके ऐसे मैं होल्ड करूंगी. क्या होगा, डिपर है इसकी वजह से हनी ड्रॉप बाय ड्रॉप मेरे बेवरेज में पर गिरेगा, तो मैं ऐसे करके शॉट ले लूंगी. उससे क्या होगा, मोशन पिक्चर क्लिक होगी. मोशन पिक्चर मतलब आप कुछ पोर कर रहे हो, कुछ ड्रिजल कर रहे हो, जैसे कि लिक्विड चॉकलेट हम ड्रिजल करते हैं, कुछ फोटोग्राफी कहते हैं. तो बेवरेजेस में या डेजर्ट में आप वो वाली फोटोग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं. हेड ऑन फोटोग्राफी नेक्स्ट हम करेंगे. हेड ऑन फोटोग्राफी उसके लिए मुझे एक अच्छा सा बैकड्रॉप चाहिए होगा. मैं यूज कर रही हूँ ये ब्राउन वाला बैकड्रॉप एज अ सरफेस, और ये ग्रे वाला बैकड्रॉप. मेक श्योर जब आप हेड ऑन फोटोग्राफी कर रहे हो ना बैकड्रॉप को यूज करके, तो आपकी जो सरफेस हो और आपका जो बैकड्रॉप हो ना वो कॉन्ट्रास्टिंग हो. दिख रहा है सबको? ओके, नाइस. नेक्स्ट जो हम फोटोग्राफी कर रहे हैं ना, वो हम कर रहे हैं मामा, सॉरी.
तवा पुलाव की। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने ये मोरक्कन डिश और बॉल लिया है, तवा पुलाव उसके अंदर रखा है मैंने। अब यहाँ से मैं लूँगी ना तो ये इतना अच्छा निखर के नहीं आएगा। वॉल्यूम आ जाए उसको, एक हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हाइट के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, ये एक बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। दिख रहा है ये एक बॉक्स है, मेरी डिश और बॉल को हाइट देने के लिए मैंने इसे यूज़ किया है। इतना काफ़ी नहीं होगा फोटोग्राफी के लिए, हमारे कंपोजिशन के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये एक छोटा सा वास है मेरे पास, ये मैं रखूँगी यहाँ पे। जनरली हम क्या करते हैं, तवा पुलाव हो गया या बिरयानी हो गई, तो हम क्या करते हैं कि जो खाने वाली पोर्शन वाली प्लेट्स आती है ना उसमें डालते हैं, या फिर स्टील की प्लेट में रखते हैं, कचौरी में दही रखते हैं। तो ये कुछ अलग टाइप की फोटो की टिप्स में दे रही हूँ इसके अंदर। हेड ऑन 90 डिग्री वाला शॉट ले रहे हैं हम इसके लिए। कोई मुझे पूछ रहा था ना कि पोर्ट्रेट मोड, तो आप ये वाले में पोर्ट्रेट मोड यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ फोकस करना है हमारे राइस के बोल पे, कुछ और चीजों को हमें उभार के दिखाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड यूज कर सकते हैं। आई थिंक इट्स विजिबल। इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा मेन फोकस रहेगा ना वो हमारी ये डिश और राइस के बोल के ऊपर रहेगा। ये जो फ्लावर्स है, बैकड्रॉप है, ये सब क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ब्लर हो जाएगा। ओके, शायद अब दिख रहा है सबको। ये जूम करके थोड़ा मैंने पिक्चर लिया है, वास को थोड़ा सा कट कर दिया है और पूरा मेन फोकसिंग मैंने प्लेट और बोल के ऊपर रखा है। क्लियर? ये वाली जब आप फोटोग्राफी कर रहे हो ना, हेड ऑन फोटोग्राफी, जो आप पूरा फोन को 90 डिग्री पर रख के करते हो, तो मेक श्योर कि आपका जो बैकड्रॉप है वो अच्छा हो, क्योंकि वो अगर अच्छा होगा ना तो आपकी फोटो एकदम बढ़िया आएगी, आपको कोई भी ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी, नाइस। और ये सब चीजें आप ले रहे हो ना, तो हेड ऑन फोटोग्राफी के लिए ये ध्यान रखो कि आप जो फ्लैट चीजें ले रहे हो उसको आप थोड़ी सी हाइट दो। हाइट दोगे ना तो क्या होगा, वो पूरी चीज़ें आपको दिखेगी।
क्योंकि आप ऐसे ज़मीन में जाके तो हेड ऑन फोटोग्राफी नहीं करोगे, वो फ्लैट हो गया तो हाइट के लिए या तो फिर कुछ बॉक्स लीजिए या तो फिर आपके पास वुडन चकला है वो ले लीजिए तो वो अच्छा जाएगा, ये ब्लू कलर के साथ भी। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, दिशा हमारे कुकपैड गुजराती के एडमिन ने मुझे बोला है कि डार्क फूड फोटोग्राफी की टिप्स दो। तो डार्क फूड फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि हमें अंधेरे में फ़ोटो लेनी है या फिर सभी लाइट्स ऑफ कर देनी है। उसके लिए क्या होता है, ब्लैक या तो फिर कोई भी डार्क कलर का कनेक्टेड। करण सर आपकी फोटोग्राफी पर्सनली मुझे बहुत पसंद आती है और अगर आप ब्यूटीफुल बोल रहे हो तो मुझे बहुत खुशी हुई। ओके हाँ, क्या बता रही थी मैं डार्क फूड फोटोग्राफी बारे में। तो उसके लिए क्या करना होता है, पूरा कम्प्लीटली डार्क सरफेस यूज़ करो, डार्क बैकड्रॉप यूज़ करो और जहाँ से भी लाइट आ रही हो ना वहाँ पर ऐसे कुछ ब्लॉक्स रखे जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो लाइट हो ना वो कंप्लीट आपके सेटअप के ऊपर ना पड़े। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये सेटअप है, ये डिश और बोल मैंने यहाँ पे रख दिया। अभी क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी एंटायर लाइट मेरे सारे सेटअप के ऊपर आ रही है। तो डार्क फूड फोटोग्राफी के लिए क्या होता है, कुछ बैरियर्स आते हैं, यहाँ पे मैंने बैरियर रख दिया, यहाँ पे मैंने बैरियर रख दिया, कुछ ही गैप में क्लियर रखूँगी कि जिससे क्या होगा कि वो जो लाइट हो वो सिर्फ मेरे पुलाव के ऊपर या तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे प्लेट और बोल के ऊपर आए, ना कि पूरे सेटअप के ऊपर। तो उससे क्या होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो एकदम डार्क दिखेंगी और ये जो सिर्फ मेरा पोर्शन है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो आपको ब्राइट दिखेगा। कुछ और सेटिंग्स भी होते हैं, आर्टिफिशियल लाइटिंग यूज़ होती है। कुकपैड में कुकिंग के साथ फोटोग्राफी प्रेजेंटेशन भी सीखा, थैंक यू कुकपैड। हाँ कुकपैड सब सिखा देता है। ओके तो ये हो गया। अब जो ऑर्डिनरी फोटोग्राफी करते हैं हम पुलाव की वो एक बार देख लेते हैं। इसके लिए अगेन मैं ब्लू वाला बैकड्रॉप यूज़ करूँगी। क्यों ब्लू वाला करूँगी, अगर ये ब्राउन वाला करूँगी ना तो मेरा पुलाव येलो है और ये ब्राउन है तो वो मैच नहीं होगा, मतलब अच्छा नहीं दिखेगा, कॉन्ट्रास्टिंग नहीं दिखेगा। तो मैं क्या करूँगी, इधर ब्लैक बैकड्रॉप यूज़ करूँगी या तो फिर ब्लू वाला बैकड्रॉप यूज़ करूँगी। तो ये हो गया हमारा डिश में पुलाव। ये मेरे पास अरसी है, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं ये यहाँ पे रखूँगी एज अ प्रॉप, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सैलड रखूँगी, लेमन स्लाइस हो गया और कर्ड रखूँगी, अगर ये ना भी रखूँ ना तो चलेगा यहाँ पे। अभी कर्ड सिंपल रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। क्या करूंगी मैं, थोड़ा सा मिर्च डाल दूंगी उसके ऊपर। अब क्या मिसिंग है बताइए, ऑफ कोर्स मेरे हाथ में है धनिया, सभी कलर्स आ गए, ग्रीन कलर मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन एलिमेंट डाल देंगे, ये यहाँ पे रख दिया या फिर पुलाव के ऊपर रख दिया, कुछ ऐसे बिखरा दिया। मेसी चीज़ें ऑलवेज अच्छी लगती हैं, तो मेस क्रिएट कीजिए अपने खाने में और अच्छी अच्छी फोटोज लीजिए। ओके, इसका भी मैं फ्लैट ले लूँगी
साइड लाइट की बात कर रही थी ना, तो वो आपके ऑब्जेक्ट को कैसे निखारता है वो इस पिक्चर में क्लियर होगा. सी दिस, एक साइड जहां पे लाइट आ रही है वो अपने पिक्चर को कितना ब्यूटीफुल बना रहा है, और ब्लू कलर का बैकड्रॉप हमारे येलो तवा पुलाव को एकदम वार्म देके निखार रहा है. नाइस. तो ये हो गई हमारी ऑर्डिनरी प्लेटिंग तवा पुलाव की. मॉडर्न वाली जो थी बक्से के ऊपर मोरक्कन बॉल में रख के पीछे बैकग्राउंड में फ्लावर वास रख के, तो वो मॉडर्न हो गई और ये हमारी ऑर्डिनरी वाली हो गई. सीजन के आचार बना लिए सबने? किस किस को पसंद है आचार? मुझे तो भाई बहुत पसंद है, मेरे तो बना गए. मैम पुलाव बाउल दही के प्लेस क्यों नहीं रखा मैं समझ नहीं पाई है. प्लीज मुझे मैम मत बोलिए, ख्याति वुड बी फाइन. ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी फोटोग्राफी है ना, सॉरी बिहाइंड द सीन फोटोग्राफी, वो एक खट्टे अचार की है. आम और साबुत मेथी का अचार है ये. जो भी कुछ फोटोग्राफी के बारे में मैंने सीखा है ना, तो मैं ये जान पाई हूँ कि पुराने ज़माने के जो पित्तल के बर्तन होते हैं ना, वो फोटो को एक अलग ही स्वैग देते हैं. तो आप क्या कीजिए कि ये जो पुराने बर्तन है ना, प्लीज़ उसे फेंके मत, संभाल के रखिए, वो बहुत ही अच्छी पिक्चर देगी आपको. तो मैं ये मेन ऑब्जेक्ट मेरा अचार एक बॉल में ले रही हूँ, पित्तल का बॉल है ये. एज अ प्रॉप मैं ये पित्तल की प्लेट ले रही हूँ, डिजाइन वाली प्लेट है ये. यहाँ पे मैं ये रखूंगी. नेक्स्ट हो गया ये अचार का बाउल. ये बहुत वर्सेटाइल है, किसी भी फूड की आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो कंपोजिशन में इसे जरूर रखिए, ये आपको एक फोटो को बहुत अच्छा लुक देता है. ये एक मैं रखूंगी यहाँ पे. नेक्स्ट मेरे पास कुछ आम के पत्ते हैं. अगेन सम ग्रीन एलिमेंट्स इज मिसिंग, तो मैं ये आम के पत्ते कुछ रखूंगी. मैसी कुछ परफेक्शन के साथ नहीं रखना है आपको, रैंडमली कैसे भी रख दीजिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे पत्ते हमारे फाइनल फ्रेम में नहीं आने वाले हैं. और एक चीज कोई बोल सकता है क्या मिसिंग है इसमें? आप जब तक कुछ बिखरा हुआ ना हो ना, तो फोटोज अच्छी नहीं आती. मेरे पास साबुत सौंफ है, बहुत सारी नहीं फैलानी है, बस कुछ कुछ. अगेन यू डोंट नीड टू सिर्फ फोटो लेने के लिए डाला है,
पता नहीं, शायद कुछ किसी का आंसर है ये. ओके दिख रहा है ये आपको? सौंफ, सौंफ डाली है बैकग्राउंड में. दिख रहा है ना फ्रेंड्स? थैंक यू अफसाना. ये जो भी चीजें रखी है ना हमने, वो इंटायर हमें फ्रेम में नहीं रखनी है. आधी आम आ गई, आधे पत्ते आ गए, आधी चम्मच आ गई, तो दिस वर्क्स ग्रेट. मैं बताऊंगी कि कौन सी एडिटिंग करनी है और क्या करना है. ओके तो ये वाला हो गया हमारा अचार. लास्ट जो मेरे पास बचा है वो है डेजर्ट. आइसक्रीम की फोटोग्राफी करने में क्या क्या दिक्कत आती है? ये होता है कि जब तक परफेक्ट क्लिक आए तब तक या तो आइसक्रीम मेल्ट हो गई होती है या तो फिर मेसी हो गया होता है, राइट? तो मैं क्या सजेस्ट करूंगी कि आप एंटायर सेटअप रेडी रखें, प्लेट रेडी रखें, जो भी कुछ प्रॉप्स लगाने हैं वो रेडी रखें, बैकड्रॉप रेडी रखें, सब कुछ रेडी रखें. सिर्फ आइसक्रीम स्कूप आउट करके डालने की देरी हो और एक पिक्चर लेने की देरी हो. तो ये एक ट्रिक आप यूज कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आपकी आइसक्रीम मेल्ट भी नहीं होगी और अच्छी फोटोज भी आ जाएंगी उसकी. बस ये लास्ट वाला डिश है हमारी. ज्यादा लंबा हो गया थोड़ा वीडियो. ओके एक मेन क्वेश्चन जो रहता है कि ये सब सेटअप लगाने में और फोटोज लेने में बहुत टाइम लग जाता है, तो हर रोज तो ये पॉसिबल नहीं होता. जो फैमिलीज वाले हैं उनको भी, वो अपने फैमिली को ऐसे तो नहीं बोल सकते कि भाई आप एक घंटा वेट कर लो, मुझे तो भाई अच्छी फोटोग्राफी करनी है. तो मैं क्या करती हूँ, जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो जो भी बीच का फ्री टाइम रहता है मैं पूरा सेटअप रेडी करके रखती हूँ कि क्या मुझे बैकड्रॉप यूज़ करना है, क्या सरफेस यूज़ करना है, कौन से प्रॉप्स लगाने हैं, सब अरेंजमेंट करके रखती हूँ. सिर्फ खाना पोर करने की देर और पिक्चर लेने की देर. इससे क्या होता है कि टाइम भी बच जाता है और बहुत देरी भी नहीं लगती. तो लास्ट हमारा जो एलिमेंट बच रहा है वो है एक डेजर्ट. उसकी फोटोग्राफी मैं दिखा देती हूँ एंड देन वी आर डन विद द लाइव सेशन. डेजर्ट की प्लेटिंग है ना, उसके लिए बहुत ही सिंपल प्लेटिंग हम रखने वाले हैं. ये हो गया हमारा ब्लैक बैकड्रॉप, ये हो गई हमारी ब्लैक प्लेट, टेक्सचर्ड प्लेट है. मेरे पास कुछ सूखी पत्तियां हैं, रैंडमली इसे बिखेर दूंगी मैं. बर्फ बर्फ ये छुट्टी
का काम। अब कलरफुल बनाने के लिए क्या डालेंगे, अगेन मेरे ड्राइड एरोमेटिक फ्लावर्स, पिंक कलर के जो है ना वो मैं ज़्यादा डालने की ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ब्राउन कलर के लीव्स तो है ही हमारे। ओके दैट्स इट। आइसक्रीम के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक आइस बैग प्रिपेयर कर रही हूँ। डन, आइस बैग हो गया। मेरे पास ये कुछ फ्रोजन योगर्ट पॉप्सिकल्स हैं, बहुत ट्रेंड में है आजकल, तो मैं उसको ऐसे अरेंज करूँगी। अगेन आपको कुछ भी परफेक्शन नहीं रखना है। और बात, यहाँ पे भी मैं ऑड पॉप्सिकल्स रखूंगी, इवन अच्छी नहीं लगती। ओके तो आवर सेटअप इज रेडी, सॉरी कंपोजिशन इज रेडी। अगेन मैं फ्लैट ले यूज करूंगी। यहाँ पे बैकड्रॉप की पसंद की मैंने किस हिसाब से की है, ये जो फ्रोजन योगर्ट पॉप्सिकल है वो पीच या लाइट पिंक कलर की है, और मुझे निखारना है पॉप्सिकल को और ये मेरे जो ड्राइड लीव्स और फ्लावर्स है उसको। तो उसे निखारने के लिए क्या ज़रूरत होगी, डार्क बैकग्राउंड की और डार्क प्लेट की। तो उसके हिसाब से मैं डार्क प्लेट और डार्क बैकग्राउंड रखा है। एंड सी दिस पॉप्सिकल्स, ड्राई लीव्स एंड ड्राई फ्लावर्स कितने अच्छे से उभर के आ रहे हैं। तो ये हो गई हमारी बिहाइंड द सीन्स फूड फोटोग्राफी के। फोटोग्राफी हो गई, उसके बाद अगर आपको कुछ कंट्रास्ट बढ़ाना हो या फिर वार्म देनी हो इफेक्ट आपके पिक्चर को, सैचुरेशन बढ़ाना हो और कुछ भी एडिटिंग करनी हो, तो मैं अपने फ़ोन के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट एडिटिंग टूल है ना उसी का इस्तेमाल करती हूँ। इट वर्क्स गुड फॉर मी। और अगर आप चाहो ना तो एडोब लाइटरूम, ये एक एप्लीकेशन है, आप एडोब लाइटरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जो अभी फेमस चल रही है स्नैपसीड उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एडिटिंग थोड़ा कम करा कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपके ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल कलरिंग है, नेचुरल एसेंस है, वो नहीं दिखेगा, आर्टिफिशियल लुक आएगा। तो मेक श्योर आप थोड़ी कम एडिटिंग कर रहे हो। थैंक यू सो मच ख्याति फॉर योर अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स, थैंक यू सो मच। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर बिहाइंड द सीन्स। अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हो। मैं अपने लेटेस्ट पिक्चर्स हो गए और वो सब अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालती रहती हूँ, द वेजी वॉग नाम है उसका, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे भी। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग
ये मेरा पहला लाइव वीडियो था। शुरू करते वक्त तो बहुत नर्वसनेस हो रही थी, पर जैसे जैसे आप लोगों ने कोऑपरेट किया, चलता गया, 2 घंटे हो गए। यू आर अमेजिंग डियर, थैंक यू सो मच खुशी, एकता बीजल, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको मेरा लाइव सेशन पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर कुछ भी जानना हो तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच डियर कृपा, थैंक यू सो मच दीपा दीदी, थैंक यू कुकपैड। सो लेट्स एंड द सेशन।